Oh,
Oh,
दर्शन नंदी जय खोल दीवार तुम धन धनी उदार त्यागी सबन सुनिय सो जस कुमार मांगू काहे रंग सब देखूं तुम ही ते मेरो निस्तार जय देव नामा विप सुदामा तिनको कृपा भई है अपार कहे कबीर तुम समर्थ दाते चार पदार्थ देत नावर सो होटल गुर से दर्शन परस गुरु कनम मरण दुख दर्शन परस गुरु कनम मरण दुख जाए सतना खोले ओ कपाट
मेरा मन टिक नहीं रहा, खो नहीं रहे। सतगुरु पातशाह जी शब्द के सुरलेख के लिखते हैं, उमक योग योग मिलन तब ताई खोजत दरियो देखो पै जाई। मेरे मन के अंदर अपने प्रभु परमात्मा को मिलने वास्ते चाह पैदा होया, मेरे मन ने उमंग लई है, मेरे मन ने उछाल पाई। उमंग की होगी हो मेरा दिल का प्रभु परमात्मा को मिलने वास्ते उछल पाया खुशी के नाम। खोजत दरियो देखो पै जाई, जो प्रभु परमात्मा को मिलने वास्ते मेरे मन ने उछाल लई है, चाह पैदा होया, उमंग पैदा हुई है, उस प्रभु परमात्मा को लभण वास्ते खोजण वास्ते मैं तुर पिया कि प्रभु परमात्मा रहिंदा कित्थे, उहदा वसण दा थां कित्थे है, उहदा घर कित्थे है जिथे जाके उसनों मैं मिलना। खोजत दरियो लभण वास्ते तुर पिया, देखो पै जाई, उस थां ते जा करके प्रभु परमेश्वर मालिक नूं मैं देख लवां, अपने प्रिया खसम नूं देख लवां, जिसनों मिलने वास्ते मेरा हिरदा जिहड़ा है एक खुशी के अंदर नच रहा है। सुनत संदेश रो प्रै गृह सेज विछाई, भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई। सतगुरु जी आखते हैं कि परमेश्वर मार्ग का सुनेहा सुन करके मैं हिरदा रूपी सेज जिहड़ी है इसने बिछाया, इहनूं सवारिया सिंगारिया, क्योंकि ये दुनिया भी एक रिवाज है। साडा कोई प्यारा मिलने वास्ते सानू आंदा कि साडे मन के अंदर खुशी पैदा होंदी है। अज साडे प्यारिया ने साडे घर आना है, असी उन्हां दी सेवा करनी है, जिथे उन्हां नूं बहालना बिठालना, और रूम बड़ा खुशी चाह दे नाल उन्हूं साफ सुथरा करते हैं, सजाने हैं, ता कि मेरा जड़ा प्यारा इत्थे आके बैठे ते उहदा मन खुश होवे। ये तैयारी कीती देख करके सतगुरु पातशाह आखदे ने किसे तरह प्रभु परमेश्वर मालिक दा सुनेहा सुन करके कि मेरे प्यारे ने आ करके हृदय रूपी घर दे विच वसना है। सिमरत संदेश रो पै गृह सेज विछाई, पै तो भाव है पति खसम नूं मिलण वास्ते, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਅ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਇਓ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਿਆਂ मैं थक के बह गया, प्रभु परमेश्वर मालिक कितने मैं नजर नहीं पाया, उसकी कितने मेहर नहीं हुई। धर्म धर्म आयो तो नजर ना पाई, मेरी नजर ही नहीं पाया उस परमेश्वर मालिक जाए दी, मेरे को परमेश्वर की नजर हो गई। भटकदा भटकद्या लभद्या लभद्या मेरा मन वापस आ गया। सतगुरु पातशाह आखते ने कि उस परमेश्वर मालिक को मिलने वास्ते मनुख बाहर लभदा फिरदा है, पर परमेश्वर मालिक के अंदर ये मन की भटकनाई है। जिहड़े दुनिया के लोग अपना किश्त त्याग के घर बार त्याग के अपनी जिम्मेवारियां तो खड़ा छुड़ा करके जंगलों में चले जाते हैं, जां होर सवांगत रहिंदे ने, कोई कहता मैं फकीर बन के परमेश्वर मालिक नूं पा लेना है, कोई कहता जंगलों में जा के मैं कन्न मोल चुन के खा के उस परमेश्वर मालिक की मंगी करके उसनों पा लेना है। वो परमेश्वर मालिक जंगलों के रिश्ते भाई घर बना के नहीं बैठा, नदी के कंडिया घर नहीं बना के बैठा,
उस रब का उस प्यारे का घर का भाई जो परमेश्वर मालिक ने एक मनुख का शरीर त्यार किया है जीव पैदा किए उन्होंने हृदय टिकाणा वास है। सतगुरु आखते ने इस मनुख ने बेटा बेटा भुलेखा है परमेश्वर मालक प्यारा धन तो भाव है मिस्त्री जीव की एक सेजा है एक बिस्तर है वो है हिरदा रूपी घर अपना हिरदा मन कहते दोने एक थान के वस्ते ले रहे एक विछी धन कं धन तो भाव है स्त्री कंत तो भाव है पति कंता तो भाव एक सेह से रहते पर इन्होंने अंदर दूरी की है ये क्यों नहीं एक दूसरे को मिल सकते धन सुते फिर सद जा जड़ी स्त्री रूप जीव रूप स्त्री है ये सदा मोह माया के अंदर सुती रहती है गलतान रहती है मस्त रहती है फिर सत जागरण पर प्रभु परमात्मा पति जड़ा है वो सदा जागता रहता है इस करके यही इनका मिलाप नहीं होता। सेहत एक है घर एक है रहना एक थान पर है पर विचार एक नहीं है मिला पति पत्नी का दुनिया के कई बार देखते हुए एक घर रेंद पति पत्नी उन्होंने दोनों के सुभा दोनों के राह दोनों की विचार दोनों की गलबात बख होंगी यही सब कुछ भुलेखा साढ़े मन में कढ़ते ने कि परमेश्वर मालिक के तेरे हृदय रूपी घर की सही से सदा बैठा है बसया हो पर जी सुरत है साडा मन जरा मोह माया के लुभारे मान करके कहते सदा ये सुता रहता है ये सुनता भी हो साहब कहते हैं पियो मदरो धन मतवंता धन जा गए जे फिर बोल ये सुरत ये मन ये मोह माया की नींद रही हो सुता पिया है जिमें कोई मनुख अत का शराबी हो बहुत ज्यादा मदरा पी लिया हो शराब पी रही हो उसमें कोई सुरत नहीं रहती वो मगन होके मस्त होके प्यार सतगुरु आखते ने पीओ मदरो धन मतवंता मती हुई मत जी है ये जीरो स्त्री यौन सुती पई है मोह माया की नींद दे जिमें शराबी मनुख सुता हो धन जा के जे फिर बोलता पर जे पति को प्यार आ जाए तरस आ जाए तो उसनों स्त्री को जगावे तो वो जाग भी सकती जे परमेश्वर मालिक जरा सबना का खसम है सबना का मालिक है जे वो चाहे वो बुलावे तो स्तुति हुई जी सुरत है मन जरा ये भी जाग सकता है धन जा के जे फिर बोल जे प्रभु परमात्मा बुलावे इसमें जगावे तो ये मन जाग जाता है जिन्हों का मन जाग जाता है जिन्हों की सुरत जाग जाती है परमेश्वर मालिक दे बुलाया उन्होंने काया कलम बख हो जाती है बल जाती है उन्होंने जीवन बखरा हो जाता है। जेड़े लोग नशा के गलतान रेंगे ने इकारा गलतान रेंगे ने जे प्रभु परमात्मा की गुरु की मेहर रहमत हो जाए ओही फिर उन्होंने जीवन पलट जाता है वो फिर सज्जन ठग नहीं रहते और सज्जन भाई भी बन जाते हैं सज्जन संत भी बन जाते हैं उन्होंने मनुखा का जीवन बखरा हो जाता है। सतगुरु आखते ने भई निराशी बहुत दिन लागे मैं हूं निराश हो गई है ये जीव स्त्री निराश हो गई कहते बड़े दिन लग गए उस परमेश्वर मालिक को मिलने वास्ते कि उस परमेश्वर मालिक का मिलाप ही नहीं होया मेरी उम्र जी बहुत लग रही है पर परमेश्वर मालिक को मिलने का कि मैं सौभाग्य नहीं मिले
देश जिसम पर मैं सगले धागे कने मैं देखा बड़े देश गाए ने बड़िया थावां ते जा करके उस परमेश्वर मालक नूं देखा पर किते भी नहीं मिलिया इस करके निराश हो गए देश जिसम पर मैं सगले धागे सारी थावां ते धाक मारी है उस परमेश्वर मालक का कसम का मिलाप ना होया सतगुरु आख दिन रहन ना पाऊ बिल पल पा गए परमेश्वर मालक के चरणों तो बिना मेरा मन टिकता नहीं मेरा मन रह गया इस मन के अंदर उस परमेश्वर मालक को मिलन का बैराग है यह मन चाहता है कि किसी तरह उस परमेश्वर मालक के गुरु के मैं दर्शन लगाण मेरा अंत मेरा खसम मेरा परमेश्वर मालक मिल जाए खिन रहन ना पाऊ एक खिन तरह जिन्ना भी समा यह मन हूँ टिकता नहीं उस परमेश्वर मालक के चरणों तो बिना सतगुरु आखते ने होए कृपा प्रभु मिले भागे जब मन के प्यास पैदा हो जाती है कि परमेश्वर मालक के दीदार हो जाए जब 24 घंटे यह कभी इसी तरह मन प्रलाप करता है परमेश्वर मालक को मिलने वास्ते सच्चे मनो तो फिर होए कृपा प्रभु परमात्मा दयावान हो जाता है कृपा हो जाता है प्रभु मिले सभागे कृपा करके मेरे भाग सुभाग बन गए ने मंदरे जड़े भाग सन हूँ चंगे हो गए किस्मत चंगी हो गई मैं भागा वाला बन गया परमेश्वर मालक ने कृपा की भयो कृपा सतसंग मिलाया बुझी तत्त कर है कृपा परमेश्वर मालक कृपा दे घर विच आ करके मेरे ऊपर रहमत की है रहम खाता उस परमेश्वर मालक ने रहम कर दिया माया कृपा की सतसंग का मिलाप करा दिता है ऐ मनुख तू जंगलों में ना पट तू नदियां नाला दे विच ना पट जे परमेश्वर मालक को मिलना है तो जिते सत्ती संगत आती है उन्हों का मिलाप करते सतगुरु ने मेहर रहमत करके कृपा करके उन्होंने सतसंगी दलों मिला दिता है भयो कृपा सतसंग मिलाया बुझी तपत कर है कृपाया हूँ जी मन की प्यास से उस परमेश्वर मालक को मिलन की सत्संग का मिलाप होया सत्संग बैठ करके सोझी हो गई गुरुद्वारे होए सोझी पाए से वो समझ आ गई कि परमेश्वर मालक का तेरे हृदय रूपी घर के बसता है बुझी तपत कर है कृपाया बाहर की भटकना माया की भटकना तो जिहड़ी मेरी तृष्णा सी तपस सी वह बुझ गई है करै कृपाया हुण हिरदे रूपी घर दे विच ही अपने फिर अपने पति खसम नूं पा लिया ते रब तां हिरदे दे विच वसदा है सोच दे अंदर वसदा है यह बदलण की लोड़ है दूर जाण की लोड़ नहीं सतगुरु जी आखदे ने सगल शिंगार हुण मुझे सवाया कहो नानक गुर भरम चुकाया कहते हूँ मेरा सारे शिंगार किए हुए मेरे शरीर के उपर मैं सोहने लगते हैं जिहड़ी स्त्री अपने खसम को मिलन वास्ते पति को मिलन वास्ते बाहर कर करके झात मारती सी अंदर करिया परमेश्वर मालक का मिलाप हो गया हुण किए हुए शिंगार के सोहने लगते ने भाव उस जीव के उत्तम किए हुए हुण सुहावने ने सोहने ने क्योंकि हर उत्तम किया होया उस परमेश्वर मालक को मिलाता है तो हम सारे शिंगार मैं सोहने लगते सारे उत्तम किए हुए मैं चंगे लगते हैं कहो नानक गुर भरम चुकाया हे नानक आग उस गुरु ने मेरे भरम का पर्दा दूर कर दिता है भरम का पर्दा यही सी कि मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर मालक रब कितने दूर बसता है ता ही असं बाहर जा करके दूसरों के जाके मथे टेक रहे हैं किसी डेरेदार का सहारा लेने किसी पखंडिया का सहारा लेने शायद हो सकता है रब का मिलाप करा दे पर कई दे गुरु प्यारे गुस्सा ना करो ऐसे भी ने कि देखने वस्त्र बड़े तंगे पाए हुए ने लगता कि संत ही है गल वो करते हैं कि लगता कि संत ही है माला मंगल पाई हुई पर गुस्सा ने देखा भी होगा कि कई ऐसे भी ने कि जिन्होंने अरदास तक नहीं आती जिन्होंने दसा गुरां के नाम भी सही नहीं तरतीब के नाल भी लैने नहीं आते उन्होंने रोक करके मत्था टेकते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी ने संत ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था सतगुरां ने बाणी में बयान जरूर की है पर
पर उस अवस्था नूं पाण वास्ते बड़ी मुशक्कत कारना कारनी पैंदी है, तां जाके किते ब्रह्म ज्ञान दा जिहड़ा प्रगट हुंदा है तां मिलदा है। पर अजकल ते दणा कणा ब्रह्म ज्ञान नहीं बणिया होया। सतगुरु आखदे ने गुरु ने मेरे अंदरों भरम दूर कर दिता है, जहें देखा तह तिर है भाई, हुण जिथे भी मैं देखदा उत्थे ही मेरा खसम पति परमेश्वर मालक मैनू हे मेरे भाई नजर आउंदा है। जिथे देखदा हर परमेश्वर मालक की जोत मैं नजर आती है। खोलियो कपाट ता मन ठहराई, ये जेड़े मन के कबाड़ बंद होए हुए सन वो खुल गए हैं। ता मन ठहराई, हुण मन जड़ा है ये मेरा टिका विच आ गया है, ये अलोकता विच आ गया, ये टिक गया है। जदों तो गुरु ने कृपा करके भंता पड़दा दूर कर दिता, हर किसी के अंदर परमेश्वर मालक की मैं जोत नजर आती है कि परमेश्वर मालक हर जीवे अंदर वसदा है। हम जे मन के अंदर कपाट बंद हुए से, दरवाजे बंद हुए से, वो खुल गए हैं। मन शांति टिका आ गया, ठहर गया है। रहाओ दूजा ये दूसरे रहाओ की पंक्ति के अंदर जो सतगुरु जी वो सानू बयान करते हैं, जो पहले रहाओ की पंक्ति के अंदर सतगुरु ने सानू आसार दसा है। गुरु कृपा करे, रहमत करे साढ़े मन की जी चाह उस परमेश्वर मालक में मिलन दी, ये सतगुरु पातशाह साड़ी पूरी करण होवेगा, ता कि मन का भरम का पर्दा दूर करके निरंकार की दो सारे आप समझिए कि परमेश्वर मालक हर थान हर जीवे वसदा है। किसी के नाम नफरत किसी के नाल वैर ना अंदर रखिए, ईर्षा ना रखिए, वखीरी ना करिए, ता जा करके ये सोची सन सतगुरु की बख्शिश की हुई सन प्राप्त हो गई। गुरु के सारे मित्र जिन्होंने नाम प्यारे इस वीक के अंदर मायापन करके गुरु के चरणों में अरदास करते हैं।